दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के जो नेता हैं उनके बीच जो बातचीत का पांचवां चरण चला वो बेनतीजा खत्म हो गया। नतीजा निकलने की गुंजाइश भी बहुत कम थी। हालांकि कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद 8 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान के कारण हो सकता है कि सरकार दबाव में आई हो और वो कुछ समझौते करने पर तैयार हो जाए, लेकिन सरकार संशोधन कुछ कानूनों में करने के एमएसपी और एपीएमसी को लेकर के मंडी को लेकर इसके अलावा किसी भी विषय पर बातचीत करने को राजी नहीं नजर आई। जबकि किसानों का कहना था कि किसी भी कीमत पर वो तीनों जो किसान विरोधी कानून हैं जिनके बारे में पूरे भारत के किसानों का 100% जनमत तैयार है कि वो किसान विरोधी कानून है, और अब तो मजदूरों का, निम्न मध्यवर्ग के लोगों का, ट्रांसपोर्टर्स का और तमाम तरह के लोगों का उसको एक समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम इन कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, सरकार को तीनों कानून अपने वापस लेने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट और विदेशी कंपनियों की मदद के लिए लाए गए हैं तीनों कानून। ऐसे में किसानों पर लादे गए इन कानूनों को हमें हरगिज स्वीकार्य नहीं है तीनों कानून। ये जो डेडलॉक था यही वो गतिरोध का बिंदु है जो शुरू से अब तक चला आ रहा था और आज पांचवा चरण खत्म हो गया। अब भारत सरकार का हाल देखिए, मतलब इतनी ताकतवर सरकार कहा जाता है इसको, कहा जाता है कि ये प्रचंड बहुमत की प्रचंड सरकार है जिसके पास इतना ताकतवर केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन आश्चर्यजनक मजाक बना दिया गया है वार्ताओं को कि आज जो हम लोगों ने बात सुनी, तमाम पत्रकारों को ये बात किसान नेताओं ने बताई है कि वहां पर मंत्रियों के पास अधिकार ही नहीं था कि वो किसी बातचीत को और आगे ले जाएं। जब किसानों ने कहा कि हम आपके प्रपोजल क्या हैं ये लिखित तौर पे हमें आप दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पर बात करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि चार चरण की बात हो चुकी थी, चार चक्र की बात हो चुकी थी, पांचवें चक्र में भी अगर आप लिखित तौर पे किसानों को जिनसे आप निगोशिएट कर रहे हैं उनसे अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ठोस बातों को नहीं पेश कर पा रहे हैं कि सरकार कहां तक पीछे हटने को तैयार है, कंप्रोमाइज का वो पॉइंट क्या होगा, किसानों ने कह दिया अपनी बात कि आपने हमसे कभी कंसल्ट नहीं किया इस कानून के लिए इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। अब 8 दिसंबर को उन्होंने आह्वान किया है भारत बंद का जिसको व्यापक समर्थन मिल रहा है, और तब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जो हैं वहां पर बैठे मीटिंग में वो ये कह रहे हैं कि हमें इस पर और बात करनी होगी। तो कितनी बात आप करेंगे? तो क्या जो किसान पूरे देश से आए हैं, खासकर पंजाब हरियाणा के सर्वाधिक हैं, उनको इन सर्द रातों में क्या आप चाहते हैं कि लगातार वो पड़े रहें अपने बाल बच्चों के साथ? क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं वो अपने बाल बच्चों के साथ आए हुए हैं, परिवार के परिवार वहां पर रह रहे हैं, पूरा का पूरा नगर गांव मोहल्ला बसा हुआ है। तो क्या आप चाहते हैं, आप किस तरह के जनतंत्र का मॉडल इस देश में पेश करना चाहते हैं कि ईमानदारी से, पूरी तरह अहिंसक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं किसान, उन किसानों के इससे बड़ा सत्याग्रह मैं नहीं समझता कि कुछ और हो सकता है। जब किसान कह रहे हैं कि आपके बिल किसान विरोधी हैं, और जितने कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, उनका भी पूरी दुनिया में एक बड़ा हिस्सा है जो कह रहा है कि बिल्कुल ये किसान विरोधी कानून है, और तब भी सरकार इन सर्द रातों में किसानों के साथ निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। एक सप्ताह से अधिक बीत गया है, कुछ ही 3-4 दिन में 2 सप्ताह पूरा हो जाएगा, 8 दिसंबर को भारत बंद है, लेकिन भारत सरकार पर ऐसा लगता है कि उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो अब उनका कहना है कि हम इस पर ऊपर बात करेंगे। जब आप ऊपर बात करके ही विज्ञान भवन में आते हैं तो विज्ञान भवन में ये कहने की किसानों को क्या मतलब है,
क्या जरूरत है कि हम और बात करेंगे, ऊपर और बात करनी होगी हमें आपकी बात सुनने के लिए। किसानों ने तो अपनी बात पहले ही सुना दी है, तो आप किस लिए किसानों को बार बार बुला रहे हैं? ये पांचवी बार आपने क्यों बुलाया? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस देश की जो एक सबसे उत्पादक जो एक 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 कम्युनिटी है किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं आप, छाती पीटते हैं जिसके लिए, और उसका आप इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, इस तरह उसको अपमानित करते हैं कि चार चार चरण, पांचवा चरण आज था, इतनी बातचीत के बाद फिर जहां से बातचीत शुरू हुई थी आप वहीं जा रहे हैं कि हमें बात करनी होगी। क्या बात करनी होगी? तो मुझे लगता है दोस्तों कि सरकार पूरी तरह नॉन सीरियस है। सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के दुख दर्द को लेकर जिस तरह से एक एक बहुत ही नॉन सीरियस ढंग से सामने आई है, वो आज की वार्ता में भी सामने आ गया जो अभी अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। और इनका कहना है कि 9 दिसंबर को 11 बजे बात करेंगे, सरकार का कहना है, ये प्रस्ताव है। इसका मतलब कि सरकार 8 दिसंबर के भारत बंद को नहीं चाहती कि उसको टाल दिया जाए। कोई भी सरकार जो जिम्मेदार सरकार होती है कहती है कि भारत बंद या किसी भी तरह के बंद को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार चाहती है कि भारत बंद हो जाए और भारत बंद में तमाम तरह की बातें हों। हम नहीं जानते कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या कोई परियोजना चल रही है पर्दे के पीछे से, तो ये भी समझना मुझे लगता है बहुत गौरतलब है। क्या इन 2-3 दिनों के अंदर कुछ ऐसी कोशिशें की जाएंगी जिससे कि किसान आंदोलन को डिसरप्ट किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, उसको किसी तरह से बदनाम किया जाए? मैं समझता हूं कि अगले 2-3 दिन बहुत नाजुक हैं, जब भारत बंद के इशू पर भी कोई भारत सरकार ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया कि कैसे किसानों से निगोशिएट करें और एक शांतिपूर्ण समाधान इन चीजों का निकालें। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में, बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे दुनिया के वैश्विक मीडिया में इसकी चर्चा चल रही है। क्या और क्यों भारत सरकार इतनी हेजिटेंट है, क्यों वो नॉन सीरियस है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसी यक्ष प्रश्न के साथ आज की चर्चा का मैं समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।